छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद पहला बजट पेश होने जा रहा है। इसमें देखना होगा कि कांग्रेस सरकार जनता के लिए क्या निर्णय लेती है। इसी कड़ी में और ज्यादा जानकारी लेने के लिए संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता वर्षा यादव ने। आइए, अभी हमारे साथ है प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे जी, हम उनसे बात करते हैं। रविन्द्र चौबे जी, सबसे पहले आपको मंत्री बनने की बहुत बहुत बधाई। आपकी सरकार बनने के बाद ये इस बार पहला बजट पेश होगा आगामी बजट सत्र में, तो क्या स्वरूप रहेगा बजट का? मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता को जो अपेक्षाएं हैं, जन घोषणा पत्र में जो हमारे वायदे हैं, हमारा बजट पूरा उसी पे केंद्रित रहेगा। हम लोगों ने बजट के पहले अनुपूरक पेश किया था और उसमें भी इस बात का उल्लेख है, किसानों के लिए जो घोषणाएं हम लोगों ने की थी, कर्ज माफी की, उसका शामिल किया गया 6,100 करोड़। आने वाले बजट में जो 2500 रुपये क्विंटल धान देने का है, उसकी आधी राशि अनुपूरक से हम लोगों ने बजट में शामिल किया था, उसको पूरी धनराशि किसानों के लिए हम उसमें करेंगे। चावल की बात हमने कही, 35 किलो चावल देंगे, लगभग 5000 करोड़ रुपया उसमें लगने वाले हैं। हम लोगों ने बिजली बिल हाफ करने की बात पहले कही है, उसमें भी हम लोगों के लगभग 4 से 5 हजार करोड़ रुपया लगने का है। किसानों को बोनस देने की बात कही है, तो आपको लगेगा कि आने वाला जो बजट है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी वित्त मंत्री के रूप में पेश करेंगे भूपेश जी, 1,00,000 करोड़ के आसपास का बजट होगा। उसमें सारी संभावनाएं जन घोषणा पत्र के किए हुए वायदों को पूरा करने का रहेगा, किसानों पे और नौजवानों पे केंद्रित रहेगा, गरीबों के लिए हमारा ये बजट रहेगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण कार्यों के लिए है, हो सकता है कुछ धनराशि की कटौती हो, लेकिन बजट लोगों के इच्छाओं के अनुरूप होगा। सर, इस बजट जो पेश हो रहा है उसमें किनको प्राथमिकताएं दी जाएगी किसान के अलावा? स्वाभाविक है, पहली घोषणा हम लोगों ने गरीबों के लिए की है, बिजली बिल और 35 किलो चावल आपको दिखेगा उस तरफ। दूसरी बात, किसानों की जो कर्ज माफी के साथ हम लोगों ने उनको 2500 रुपया क्विंटल और बोनस देने की बात कही है, वो शामिल रहेगा। और विकास की जिन बातों का नए जनप्रतिनिधि, 68 विधायक जीत के आए हैं कांग्रेस के, इतना बड़ा जनादेश मिला है, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उनके प्रस्ताव होंगे उसको शामिल करेंगे। क्या कुछ नए विधेयक अध्यादेश बनाने की योजना बना रही है सरकार? अभी शुरुआत तो हो गई है, पिछले अनुपूरक में जिस तरीके से कुंभकल्प के नाम से भ्रष्टाचार किया जा रहा था उसको समाप्त किया गया है। अब आने वाले समय में समय समय पर जो भी कानूनी स्वरूप होगा विधेयकों का उसको प्रस्तुत करेंगे। जी सर, ऐसी बात सामने आई थी कि इस बार ये पहली ऐसी सरकार होगी जो विपक्ष को साथ लेकर चलने की बात कर रही है, तो उसको लेकर क्या? विपक्ष को हमेशा रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हताशा और निराशा से अभी उबर नहीं पाई है। अंतर विरोधों की राजनीति उनकी खुद की पार्टी में है, सिर फुटौल हो रहा है, जितने विधायक उतने गुट, तो ये पता नहीं विपक्ष के रूप में वो कितने धारदार हो पाएंगे, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि अगर उनका भी अच्छा सुझाव आएगा तो उसको क्रियान्वित करने में पार्टी को कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे जी, जिन्होंने बताया कि आगामी बजट सत्र में जो बजट पेश होगा वो किसानों गरीबों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए ही ये बजट बनाया जाएगा। कैमरा पर्सन अमीन कुरैशी के साथ वर्षा यादव, JK 24/7 न्यूज, रायपुर। मध्य प्रदेश के आग